आज की बेटियां हैं वो सिर्फ पुराना दौर रहा होगा साहब जब सिर्फ घर चलाती थी। आज की बेटियां देश और सरकार चलाने की क्षमता रखती हैं और घर भी चलाने की क्षमता रखती हैं। और उसी तरह जो यह मंच है जितना वाणी पुत्रों के लिए जाना जाता है उतनी ही वाणी पुत्रियों के लिए अब जाना जाता है। देश की एक बहुत ही शानदार युवा कवित्री जो आज देश के तमाम मंचों पर अपनी काव्यात्मक ऊर्जा से नई रोशनी नई उम्मीद पैदा कर रही हैं, हम सबके बीच साक्षी तिवारी मौजूद है। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से स्वागत हो इस बिटिया के आंगन में साक्षी तिवारी। ये मेरी पूजा की पंक्तियां भी हैं। कौन हमारे लिए ईश्वर के समान होता है, किसका स्थान ईश्वर से भी बढ़कर हो जाता है। पंक्तियां देखिएगा दादा आपके श्री चरणों में। प्रभु के मूरत जैसी मेरे मात पिता की सूरत है, प्रभु के मूरत जैसी मेरे मात पिता की सूरत है, इनके आशीषों की जीवन में हर हाल जरूरत है, आशीषों की जीवन में हर हाल जरूरत है। झंझावातों के बेहड़ में सुगम पंथ मिल जाए, बहुत आभार। देखिएगा आप सभी से जुड़ने का प्रयास करती हूँ और परिचय की पंक्तियां रखती हूँ। स्वागत स्वागत। नन्ही सी कलम हूँ मैं पर काम बड़ा कर दूँ, नन्ही सी कलम हूँ मैं पर काम बड़ा कर दूँ, आशीष मिले सबका तो नाम बड़ा कर दूँ, सबका तो नाम बड़ा कर दूं, छोटा या बड़ा हमको किरदार बनाता है, छोटा या बड़ा हमको किरदार बनाता है, आगाज तो छोटा है अंजाम बड़ा कर दूं, बहुत अच्छे सबका तो नाम देश की बेटियों के हवाले से ये चार पंक्तियां देखिएगा। मंच पर मेरी बड़ी बड़ी स्वागत स्वागत स्वागत। उनके श्री चरण में ये पंक्तियां रखती हूँ, देश की बेटियों के हवाले से ये पंक्तियां पढ़ती हूँ, देखिएगा। मैं लेके तिरंगा ये सरहद तक जाऊंगी, मैं लेके तिरंगा ये सरहद तक जाऊंगी, सीमा पे खड़ी होकर इसको फहराऊंगी, सीमा पे खड़ी होकर इसको फहराऊंगी, झुकने ना कभी दूंगी ये शान है हम सबका, झुकने ना कभी दूंगी ये शान है हम सबका, ये स्वाभिमान अपना दुनिया को दिखाऊंगी, मैं लेके तिरंगा ये सरहद तक जाऊंगी। और धरा को प्रणाम करती हूँ, मातृभूमि को नमन करती हूँ और तिरंगे के सम्मान में ये चार पंक्तियां और देखें। अपनी इस माटी का सम्मान तिरंगा है, अपनी इस माटी का सम्मान तिरंगा है, भारत के जन जन का अभिमान तिरंगा है, भारत के जन जन का अभिमान तिरंगा है, जननी व जन्मभूमि है स्वर्ग से पढ़कर भी, जननी व जन्मभूमि है स्वर्ग से पढ़कर भी, अपने भारत भू की पहचान तिरंगा है, भारत के जन जन का अभिमान तिरंगा है। और ये
चार पंक्तियां देखें। देश में अत्यधिक जरूरी जो है वह देश की एकता, तब ये चार पंक्तियां रखती हूँ। अजमेर भी प्यारा है प्यारी मथुरा काशी, अजमेर भी प्यारा है प्यारी मथुरा काशी, हम मले तमिल के हो या हो बंगला भाषी, हम मले तमिल के हो या हो बंगला भाषी, पूरब हो या पश्चिम मतभेद नहीं कोई, पूरब हो या पश्चिम मतभेद नहीं कोई, हिंदू ना मुसलमान है हम है भारतवासी। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और आप सभी के समक्ष कुछ पंक्तियां रखती हूँ। किसके बदौलत किसके दम पर अपना हिंदुस्तान जिंदा है और किसके दम पर हम ऐसे उत्सव और महोत्सव कर पाते हैं, देखिएगा पंक्तियों में बताने का प्रयास करते हैं। शहीदों कारगों में जब तलक बलिदान जिंदा है, शहीदों कारगों में जब तलक बलिदान जिंदा है, समूचे विश्व में माँ भारती का मान जिंदा है, समूचे विश्व में माँ भारती का मान जिंदा है, खड़े सरहद पे जो दीवार बनकर काल दुश्मन के, खड़े सरहद पे जो दीवार बनकर काल दुश्मन के, उन्हीं रणबांकुरों के दम पे हिंदुस्तान जिंदा है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत अच्छे साक्षी, वाह, बहुत आभार, शहीदों को नमन। वाह। और कभी ऐसा हुआ करता है कि बिनमांगी लोग सलाह दे देते हैं कि आप वीर रस के कवयित्री क्यों हैं, आपको श्रृंगार रखना चाहिए, तब ये चार पंक्तियां मैं उनको समर्पित कर देती हूँ, वो आप सभी के समक्ष रखती हूँ। देखिएगा, खड़े दुश्मन है सीमा पर, भैया ये नई पंक्तियां हैं, आपने सुनी नहीं होंगी और भैया के मंच से मैं रखना चाहती हूँ। खड़े दुश्मन है सीमा पर तो फिर श्रृंगार लिखूं क्या, खड़े दुश्मन है सीमा पर तो फिर श्रृंगार लिखूं क्या, है भारत भारती संकट में तो फिर प्यार लिखूं क्या, है भारत भारती संकट में तो फिर प्यार लिखूं क्या, और शहीदों की शहादत पर नहीं आंसू बहाते जो, शहीदों की शहादत पर नहीं आंसू बहाते जो, उन्हें गद्दार ना लिखूं तो फिर सत्कार लिखूं क्या। अच्छा है बाबा, बहुत अच्छे साक्षी, वाह, बहुत अच्छे। उन्हें गद्दार ना लिखूं तो फिर सत्कार लिखूं क्या, और आगे की पंक्तियां देखें। लिखूंगी भारती की आरती जयगान लिखूंगी, लिखूंगी भारती की आरती जयगान लिखूंगी, शहीदों की विजय गाथा उन्हीं का मान लिखूंगी, शहीदों की विजय गाथा उन्हीं का मान लिखूंगी, रजत पट के सितारों से मुझे मतलब नहीं कोई, रजत पट के सितारों से मुझे मतलब नहीं कोई, मेरा हीरो है हर सैनिक उसी की शान लिखूंगी, मेरा हीरो है हर सैनिक उसी की शान लिखूंगी। और आगे की पंक्तियां देखें। ये धरती माँ है इस संकल्प को लेकर निकलती हूँ, ये धरती माँ है इस संकल्प को लेकर निकलती हूँ, तिरंगा चूम ले आकाश इसका ध्यान रखती हूँ, तिरंगा चूम ले आकाश इसका ध्यान रखती हूँ, मेरी माँ भारती रहती है आठों याम इस दिल में, मेरी माँ भारती रहती है आठों याम इस दिल में, मैं बेटी हूँ इसलिए माँ का दर्द कुछ ज्यादा समझती हूँ, मैं बेटी हूँ सो माँ की पीर को ज्यादा समझती हूँ, मैं बेटी हूँ सो माँ की पीर को ज्यादा समझती हूँ। बहुत आभार। और फिर से आप सभी को उन्हीं से जोड़ना चाहती हूँ जहाँ मैंने अपनी तरन्नुम की बात खत्म की थी, वहीं से शुरू करती हूँ। देखिएगा, सदा माटी की सेवा में जिसका ध्यान होता है, सदा सदा माटी की सेवा में जिसका ध्यान होता है, उन्हें ही राम से मतलब वही रहमान होता है, उन्हें ही राम से मतलब वही रहमान होता है, हमारी पीढ़ियां उस पर हमेशा नाज करती हैं, हमारी पीढ़ियां उस पर हमेशा नाज करती हैं, अमर हो जाता है जो देश पर बलिदान होता है, अमर हो जाता है जो देश पर बलिदान होता है। और ये चार पंक्तियां एकता के नाम और देखें।
अगर अगर टकराएंगे आपस में तो हम टूट जाएंगे। अगर अगर टकराएंगे आपस में तो हम टूट जाएंगे, तो कैसे ईद की होली के हम खुशियां मनाएंगे, तो कैसे ईद की होली के हम खुशियां मनाएंगे। बड़ी कुर्बानियों के बाद पाई है ये आजादी, बड़ी कुर्बानियों के बाद पाई है ये आजादी। फरेबी जाल में उलझे तो फिर से फूट जाएंगे। टकराएंगे आपस में तो हम टूट जाएंगे। और ये चार पंक्तियां देखें, कई बार हमारे एकता और सौहार्द की सोच को लोग डरपोक समझ लेते हैं, तो उनको ये चार पंक्तियां सौंपती हूँ, देखिएगा। है पोषक हम अहिंसा के मगर डरते नहीं हैं हम, है पोषक हम अहिंसा के मगर डरते नहीं हैं हम, कभी नादान बैरी की फिकर करते नहीं हैं हम, कभी नादान बैरी की फिकर करते नहीं हैं हम। नहीं अभिमान ताकत पर हमें विश्वास खुद पर है, नहीं अभिमान ताकत पर हमें विश्वास खुद पर है। समर में मारते ही हैं मगर मरते नहीं हैं हम, समर में मारते ही हैं मगर मरते नहीं हैं हम। बादा बहुत आभार, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए।